दोस्तों कैसे हैं आप लोग। होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करी है। एक बढ़िया रेसिपी बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सूजी को और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आधा घंटा इसको भिगो के रख दिया। देखिए, एकदम इसी कंडीशन में आपको रख देना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कुछ सब्जियों को कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस चोपर से कट किया सब्जी को। ये देखिए, इसे कट करके इसको लगा के ऐसे करके खटाखट खटाखट सब्जी इस पार्ट में रख के काट दिया सारी सब्जियों को। सब्जियाँ इसमें मैंने ली हैं गाजर और कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो। ये देखिए अनियन, ये मैंने लिया है यहाँ पे कैप्सिकम। सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से काट लिया है दोस्तों। अच्छे से वॉश करने के बाद क्वांटिटी आप डिसाइड कर सकते हैं, बैठा गढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया मैंने ताकि और थोड़ा सा लाइट हो जाए। सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही पावरफुल रेसिपी है ये, अप्पे की रेसिपी। इनको अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए, बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं हम। काला नमक इसमें थोड़ा सा डालेंगे, क्वांटिटी काला नमक नहीं, सॉरी, ये आपका क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये इसमें डालना बहुत ही बढ़िया है। इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है और काली मिर्च का फ्लेवर ही अलग हो जाएगा एकदम, और सभी लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। इसमें हमने डाल दिया सॉल्ट, इसमें मसाले कुछ भी नहीं पड़ते, ओनली नमक पड़ेगा। नमक डाल दिया इसमें और बिल्कुल लाइट सा इसमें ना इनो डाल देंगे। इनो से क्या होगा ना दोस्तों, ये एकदम स्पंजी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्पंजी, और इतना पावरफुल है ना दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करिए। अप्पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और इतना हेल्दी खाना है ये, मतलब कि इसको आप मतलब बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑर्गेनो भी डाला है, देखिए ये ऑर्गेनो डाल दिया। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं है। ये ऑर्गेनो मार्केट में मिल जाएगा आपको, जो पिज़्ज़ा में पड़ता है। इसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ डालेगा, और हरा मटर मैंने मिक्सी में धड़ाधड़ा पीस लिया दानेदार। इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, बस ये इसमें डाल दिया। नमक ही रहेगा इसमें और कुछ नहीं रहेगा। तो आप ये मटर को इसमें डाल सकते हैं। सोचिए, ये एक मटर का और ये सारी सब्जियां मिल करके, इसमें कहीं आपको ऑयल या कुछ भी दिख रहा है दोस्तों? कुछ भी नहीं। इतना पावरफुल है, इतना अल्टीमेट चीज़ है ये। और बनाना तो इसको बहुत ही सिंपल है, मीन्स 40 मिनट के अंदर आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसको खाएंगे कैसे, मैंने इसके लिए चटनी बना लिया। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पीनट्स ले लिया है, जिंजर ले लिया है, गार्लिक ले लिया है, प्याज को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, सभी पार्ट को रोस्ट कर दिया है और मिक्सी में डाल दिया। मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया है, देखिए बस, बहुत बढ़िया। ओनली नमक डालना है इसमें, खड़ी लाल मिर्च बस, और हमारा ये बढ़िया तरीके से देखिए बिल्कुल पीनट्स की चटनी भी साथ में रेडी होगी, जो हमें इसके साथ इंजॉय करना है। बहुत ही बढ़िया होती है। इसके साथ टमाटर वाली चटनी भी आप बना सकते हैं, तो मैंने इसका पीनट्स वाली चटनी बनाई है एकदम अलग तरीके से। अभी देखिए हमारा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा तैयार हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने देखिए, ये मेरा ये है दोना, इसके अंदर मैंने ये सारा आइटम डाल दिया। इसमें ऑयल डाल दिया हल्का सा, गर्म कर दिया इसको दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हमने गर्म करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं हमने अप्पे के जो पीसेज हैं वो डालेंगे। तो इसको हल्का सा गर्म कर देना, ग्रीस कर लेना बेसिकली, नहीं तो ना क्या, जो अप्पा इसमें डालेंगे, मतलब ये जो मिक्सचर हमने जो रेडी किया जो इसमें डालेंगे ना, तो ये क्या होगा ना, नीचे स्टिक होने का खतरा बना रहता है। तो आप कोशिश करिए, इसको करिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, दिक्कत हो रही है। फिर कैसे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोग कैसी इतनी पावरफुल और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँगा दोबारा बार बार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब शेयर करना है दोस्तों। अभी देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है पूरा मटेरियल, जो मिक्सर हमारा रेडी था। ऐसे करके पार्ट बाई पार्ट आपको डाल देना है सभी को, हल्का सा प्रेस कर लेंगे इसको। ऐसे करके पूरे मिक्सर में हमें पूरे उसमें डाल दिया हमने, देखिए। और गैस को नॉर्मल मीडियम रखना है, नहीं तो इवेनली कुक नहीं होगा दोस्तों, जलने का पूरा खतरा बना रहेगा। और इसको कवर करके धीमी आंच पे छोड़ दीजिए एकदम। देखिए, मैं एक और आपको ज़बरदस्त चटनी बताने जा रहा हूँ। ये मैंने अप्पे की जो स्पेशल चटनी है उसको, इसमें गार्लिक ले लिया है, लहसुन ले लिया है, टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया, हल्का सा भूना है, हल्दी डाला, नमक डाला, पीस के, ये देखिए बढ़िया अप्पे की चटनी एकदम रेडी, बहुत ही बढ़िया और आसानी से बनती है। तो दोनों चटनियों की मैंने प्रोसेस इसमें डाल दिया है, आप कोई भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा अप्पा एक तरफ से हो गया है। अब हम इसको सारे अप्पे के जितने भी पार्ट्स हैं ना दोस्तों, इसको एक एक करके हम निकाल देंगे। निकाल के मतलब उल्टा कर देंगे, देखिए ऐसे। इतना दानेदार, इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी होता है ना दोस्तों ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अल्टीमेट है, मतलब अल्टीमेट। ये देखिए, ऐसे करके चारों तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसको फिर से, एक तरफ तो ये रेडी हो गया, दूसरी तरफ इसको रेडी करने के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया, तो दूसरे पार्ट से भी अच्छे से स्टीम हो जाएगा। कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 मिनट लगता है हार्डली, धीमे उस पर।
और तरफ से भी इसको बढ़िया तरीका है। अब ये देखिए क्या बढ़िया इसी तरीके से एकदम अल्टीमेट वाला ट्राई करना है। आपका ये तैयार हो गया, ये देखिए हमने प्लेट पे निकाल लिया इसको। अभी ये देखिए इसको इतना शानदार लग रहा है ये पत्ते की चटनी के साथ। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।